Me ha, ta ru de repas, rapu ishu me re massi, me repa ponke li ei, de te हालेलुया प्रभु ईश्वर मसीह जी अब सभी को आशीष हैं हम सृष्टि के सारी बातों में आदि और अंत को देखते हैं समृथाई में सुंदर फूल और हरियाली जो पत्ते अभी कहाँ हैं अभी पत्ते झवड़ में सिर्फ सुखी सुखी दालियाँ ही दिखती हैं थोड़ी देर बाद पैर भी तो मर जाएंगे जीवन कैसा है हमें लगता है कि हमारा जो स्क्र था तो ज्यादा दूर नहीं था लेकिन अभी तो मिडल एज के जीवन जी रहे हैं कोई तो अभी बुरापे में जी रहे हैं कभी कभी अपने जम पे के फिंदर में जाके आते हैं तो मुझे लगता है कि मेरे जीवन का अंत भी ज़्यादा दूर नहीं है जो समय बीत गया वो वापस नहीं आता और बाइबल बताती है मनुष्य जीवन के बारे में मनुष्य जीवन लगातार पुनर्जन्म पाने के वो नहीं है वर बाइबल कहती है कि एक बार के लिए ही है इसलिए आपका जीवन अनोखा है और मनुष्य के मरने के बाद न्याय किया जाएगा और जो लोग प्रभु ईश्वर विश्वास करते हैं उनको परमेश्वर सदा के लिए स्वर्ग में ले जाएंगे, और जो प्रभु ईश्वर नहीं विश्वास नहीं करते उनको नरक की आग में डाल देंगे इस तरह परमेश्वर ने कहा है इसलिए अगर अंत अच्छा है तो सब अच्छा है मेरी पिंती है कि आप यीशु मसीह में आपके अंत को देखें जो सदा के जीवन के लिए लगातार होते रहते हैं बाइबल जगत के अंत के बारे में बताती है अगर आपके जीवा में हमारे जीवा में भयंकर युद्ध आती हैं तो सब कुछ नाश हो जाते हैं इसलिए अगर आप सोचें कि अगर जगत का अंत होगा कितना भयंकर विनाश होगा ये भी जाने कि जिन्होंने इस पृथ्वी को बनाया है वो परमेश्वर इस पृथ्वी को ख़त्म करने वाले हैं इसलिए परमेश्वर का था हैं आदि और अंत उसी परमेश्वर को ठीक से जानना और उसका भय मानना सचमुच में धन्य जीवन जीने का तरीका है आज हम जगत के अंत के बारे में बाइबल के बच्चों के अनुसार तो मनन करेंगे और जगत के अंत की प्रतीक्षा कैसे करें कैसे हम बुद्धिमान बन जाएं, इसके बारे में भी हम सीखना चाहते हैं आज के वचन मती राज्य से समाचार अध्याय चौबीस छः से लेकर चौदह तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे देखो घबरा न जाना क्योंकि इनका होना अवश्य है परंतु उस समय अंत न होगा क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह आकाल पड़ेंगे और भूंडोल होंगे ये सब बातें पेराओं का आरंभ होंगी तब वे क्लच दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे तब बहुत ठोकर खाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे और बहुत से झूठे भविष्य रखता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे और अधर्म के भरने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा परंतु तो जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उधार होगा राज्य का यह समाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो तब अंत आ जाएगा छः से आठ तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे देखो घबरा न जाना क्योंकि इनका होना अवश्य है परंतु उस समय अंत न होगा क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह आकर पड़ेंगे और भोड़ होंगे यह सब बातें पेराओं का आरंभ होगी प्रभु यीशु जी के चेहनों ने पूछा वो काप वापस आ रहे हैं और जगत का अंत काप होगा भूकंप या आकाल इस तरह नेचुरल डिजेस्टर्स और या युद्ध तो भैंकर हो सकते हैं लेकिन ये जगत का अंत का चिन्ह नहीं है सिर्फ ये पीड़ित पीरा का थाई में और पीराओं का आरंभ है प्रभु ने ये कहा था मतलब जगत के अंत आने से पहले तो मनुष्य बहुत पीड़ित हो जाएंगे वो ये भी स्पष्ट थे कि इस वचन के द्वारा कि यह संसार परमाणु जो युद्ध से खत्म नहीं होने का क्योंकि जिन्होंने स्टार्टिंग किया है जिन्होंने आरंभ किया है उस परमेश्वर की तरफ से अंत आ जाता है जिसने स्टार्टिंग किया है वो खत्म करेंगे क्योंकि परमेश्वर सृशक्तिमान प्रभु हैं मनुष्य जीवन भी ऐसा है जिन्होंने मनुष्य जीवन को आरंभ किया है उनके अनुमति के बिना मनुष्य का अंत नहीं होता इसलिए आने वाले जगत के अंत को देखने वाले उनके विश्वास के एटीट्यूड क्या होना चाहिए हमें संसार के लोगों से या संसार की विपत्तियों से डरना नहीं सिर्फ उसी को ताकना है उसका भय रखना है जो मनुष्य जीवन को शुरू कर सकते हैं और अंत भी कर सकते हैं जो सृष्टि कर सकते हैं और सृष्टि को अंत कर सकते हैं उस एकमात्र सच परमेश्वर का भया मानना है इसलिए प्रपूष्ट जी ने मत्ती दस का अट्ठाईस में इस तरह ये कहा कि जो शरीर को खात करते हैं पर आत्मा को खात नहीं करते कर सकते उनसे मत डरना पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है नौ से बारह तब वे क्लश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे तब बहुत देर ठोकर खाएंगे और एक दूसरे से व्यर्व रखेंगे और बहुत से छोटे भविष्य वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा छतिहास के इतिहास हैं क्यों संसार के लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले से घृणा करते हैं क्योंकि प्रभु यीशु के जो चेले इस संसार में बिलोंग नहीं करते हैं वरन परमेश्वर के बिलोंग करने वाले हैं युवा ना पंद्रह का 18 से उन्नीस से प्रभु यीशु ने कहा कि यदि संसार तुमसे पैरव रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी पैरव रखा यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रीति रखता परंतु तो इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है इसीलिए संसार तुमसे पैर रखता है कि आप पर विश्वास करते हैं तो ये भी जाने कि आप परमेश्वर के हैं जितना जगत का अंत निकट आ जाता है तो संसार चर्च से घृणा करेगा और चर्च पर तो सताव करेगा इसलिए आने वाले जो सताव को देख के तो हमें कैसे जीवन जीना है पर के सत्य बच्चन पर में जड़ रख के बिल्कुल दृढ़ विश्वास के साथ हमें जीना है क्योंकि हमारे उधार हमारा उधार बहुत निकट आ रहा है जब प्रभु जी वापस आएंगे हम सदा के लिए तो स्वर्ग में प्रवेशी करेंगे संसार का ये गरिंदा सत्य के विरोध में है बाइबल के जो सत्य के विरोध में है इतिहास में लगातार छूटे पविशता उठ खड़े हुए थे लोगों को भरमाया था ताकि लोग बाइबल के सत्य से हट जाएं, प्रभु यीशु से हट जाएं। लोग कोशिश करते हैं चाहे वो क्रिश्चियन क्रिश्चियन कहलाने वाले जो गलत के लोग हो या दूसरे धर्म के हो या भ्या, पर्सनल व्यक्ति हो बाइबल के सत्य से कुछ कुछ निकालना चाहते हैं या कातना चाहते हैं या बाइबल के ऊपर कुछ और जोड़ना चाहते हैं फ्रास करना चाहते हैं माइनस करना चाहते हैं क्योंकि ये लोग तैयार नहीं है कि यीशु ही सत्य है इस वचन को सुनने के लिए तैयार नहीं है इसलिए संसार के जो भरमाने का शक्ति और बढ़ेगी और बढ़ेगी इस स्थाई में हमें प्रभु ईश्व जी को ही ताकना है फोकस लगाना है ताकि हमारा विश्वास स्थापित करने वाले हमारे विश्वास को सिद्ध करने वाला प्रप ईशुवा से ही है लोगों का प्रेम अगर धुंधा हो जाता है तो व्यक्ति का या परिवार का या समाज का देश का बिल्कुल नाश हो जाता है प्रभु ईश्वर ने यह सही कहा कि जब इतना सब का अंत निकट आ जाता है तो प्रश्नता और बढ़ेगी पापों की वजह से लोगों के प्रेम ठंडा हो जाएगा मतलब मनुष्य का पत्ता हो जाएगा इस गर्भर जो समाज में प्रश्व के चेहरे कैसे जिए परमेश्वर ने हमको उसी की संतान बना दिए ज्योति की संतान बना दिए इसलिए हमें और भले कार्यों के साथ जीना है जिस समाज में प्रेम ठंडा हो गया जिस समाज में बिल्कुल पाप के बढ़ोतरी हो जाते हैं उसमें कोई आशा नहीं है इसलिए जो प्रभु ईश्वर विश्वास करते हैं और भले काम के लिए जिए और प्रेम करने के लिए जिए ईमेन तेरह और चौदह परंतु जो अंत तक धीरज धारे रहेगा उसी का उद्धार होगा और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो तब अंत आ जाएगा जगत के अंत के आने से पहले सबसे प्रमुख जो सवाल हैं आपका उधार अगर आप उधर नहीं पा सकते हैं और सदा के लिए न बुझने वाली आग की झील में ढाले जाके पीड़ित होते रहेंगे तो ये बाकी चीज़ें का क्या, क्या क्या अर्थ होता है इसलिए मैंने इस प्रदेश के जो स्टार्टिंग में ये कहा था कि उस परमेश्वर का भय मानना है जो हमारे आत्मा को और शरीर को नरक में नाश कर सकता है क्योंकि वो ही हमारे मुक्तिदाता भी हैं तो उस परमेश्वर का भय मानने के लिए हमें क्या करना है जो परमेश्वर ने कहा है जो परमेश्वर ने किया है उस पर विश्वास करना है पर भी बताती है परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को यानी प्रभु यीशु मसीह को हमारे जाति के पाप के प्रायश्चित होने के लिए भेजा है इसलिए उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उसके पीछे चलना है तब उधर पाएंगे इसलिए बाइबल के अंदर प्रत्यु के काम सोलह का इकतीस में इस तरह लिखा है कि प्रभु यीशु पर विश्वास करो तो तुम और तुम्हारा जो घराना उधर पाएंगे उद्धार यानी अनंत जीवन पाने का क्या रास्ता है युवा सत्रह के दो से तीन जब प्रभु यीशु पिता परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे उन्होंने ये कहा कि क्योंकि तूने उसको यानी प्रभु यीशु स्वयं को सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे और अनंत जीवन यह है कि वे कुछ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और ईश मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने मतलब पिता परमेश्वर को और प्रभु ईश्व मसीह को जानना ये अनंत जीवन है मुक्ति है और मुक्ति पाने वालों के लिए किस गुण की, की आवश्यकता होती है प्रभु ने कहा कि धीरज जो प्रभु ईश्वर विश्वास करते हैं वे प्रभु ईश्व के दूसरे आगमन की प्रतीक्षा करने वाले हैं जैसे आपको वीजा मिलनी है और कोरिया आने के लिए इस तरह तो अपने थाइम लगाया वैसे ही जो प्रफ ईश्वर विश्वास करते हैं तो उनको स्वर्ग की नागरिकता मिली है और अंत में स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए प्रतीक्षा करने वाले लोग हैं लेकिन संसार और शैतान और सारी जो दुष्ट जो शक्तियां आपको किराना चाहती हैं आपके इस जो विश्वास की राह पर से बिल्कुल गिराना चाहते हैं इसलिए धीरज रखना है मुक्ति पाने के लिए धीरज सचमुच में महत्व है इसलिए ने कहा कि जो धारे रहेगा वह उद्धार पाएगा जगत तो का अंत कब होगा एग्जेक्ट तो दहित के बारे में तो हमें मालूम नहीं है क्योंकि सिर्फ पिता परमेश्वर जानते हैं लेकिन आज के जो वचन में चौदह बिंग में हमें खुलो आ जाता है जब प्राप्त ईश्मस के ये सुसमाचार पूरे जो दुनिया में भी फैल जाएंगे और सारे जातियों के सामने बिल्कुल बताया जाएंगे तब अंत आ जाएगा और दो तेईस तक अभी तक एक देश नहीं जिसमें वचन नहीं बांटा गया हो और इसमें बिल्कुल क्रिश्चन नहीं है तो देश के लेवल में तो सब वचन बांटे गए हैं लेकिन अभी उन देशों के अंदर जो अभी रह गई है जो जातियाँ उनके लिए अभी बाइबल अनुवाद किया जा रहा है और उनके सामने जो आ, अभी अभी हिंदन ग्रुप्स पीपल ग्रुप्स जो जातियाँ अभी तक वचन ठीक से नहीं सुना है उनको वचन बांटे जाएंगे तो चौथक अंत आ जाएगा अभी तक मेरे जो हर शनिवार के जो उपदेश का विषय क्या था यह था कि प्रभु यीशु पर विश्वास करो और मुक्ति पाओ जगत के अंत होने से पहले परमेश्वर बचे हुए एक व्यक्ति को भी अपने संतों के द्वारा फैल जाने वाले सुसमाचार के द्वारा बचाना चाहते हैं इसलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा अपनी चर्च में वर्ल्ड मिशन का विश्व सुसमाचार के सेवा का कर्तव्य दिया है माती 28 का अठारह से बीस यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ भाइयों बहनों जरूर ये जानिए कि मसीह के सुसमाचार ही आपको पाप क्षमा दिला सकते हैं और परमेश्वर साथ मेल मिलाप दिला सकते हैं आपको शांति और मुक्ति और अन जीवन ला सकते हैं प्रभु यीशु के सुसमाचार ही मुक्ति का एकमात्र मार्ग है सुसमाचार घ प्रभु यीशु जी ने आपके पापों के लिए अपनी जान दे दी है और वह बुद्ध में से जी उठा है इस बात पर इस तथ्य पर विश्वास कीजिएगा इस सुसमाचार पर विश्वास कीजिएगा और प्रभु मसीह को भेजने वाले उस एकमात्र सच्चे पर पिता पर विश्वास कीजिए उसी का भय मानिएगा और आप प्रभु के चेले होने के नाते प्रभु ईश्वर सुसमाचार को सारे जगत में फैलाइएगा ताकि सारी जातियां प्रभु ईश्व के बारे में सुन सके इस वर्ल्ड मिशन के सेवा को संभालते हुए जगत के अंत में प्रवेश करने वाले धन्य जीवन Sfințire, Pai. Amen.